पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक आज शुक्रवार को होने वाली है। बता दें कि पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें 48 एजेंडों पर मुहर लग गई थी। अगर उसके पहले की बैठक की मैं बात करूं तो उसमें 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी और बिहार के 4 और जिलों में मेट्रो की स्वीकृति भी दे दी गई थी। तो वहीं अब आज की बात करें तो आज भी सीएम नीतीश की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह आज 11:30 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगने की संभावना है। वहीं आपको ये भी हमने बताया था कि पहले ये बैठक 18 जुलाई यानी कि कल होने वाली थी, लेकिन अब हो सकता है कि कल बीजेपी की भी बैठक थी, इसलिए कल ये बैठक को रद्द करके और आज इस बैठक को किया जा रहा है। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक के लिए पहले मंगलवार का दिन निर्धारित था, लेकिन अलग अलग कारणों से मंगलवार की जगह कैबिनेट की बैठक किसी दिन बुधवार को बुलाई जाए, फिर उसके बाद शुक्रवार यानी कि आज ये बैठक बुलाई गई है। मंगलवार की जगह अब कैबिनेट की बैठक किसी दिन भी हो जाती है। 19 जुलाई यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है। देखिए, हो सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाएं या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर में आपको हमने बताया कि किस तरीके से सीएम नीतीश ने 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य, जो टारगेट है, वो रखा है और किसी भी हाल में सीएम नीतीश अपने वादे को चुनाव से पहले पूरा कर लेना चाहते हैं। कोई भी काम अगर छूट गया है या छूटा हुआ है तो उसको विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश पूरे तरीके से पूरा कर लेना चाहते हैं। वहीं आप ये भी बता दें कि अब जो ये बैठक है इसमें काफी अहम मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम नीतीश जनता के लिए अपने वादे को पूरा करने के बाद ही चुनावी मैदान में लोगों के सामने आकर वोट मांगने के पक्ष में है। ऐसे में माना जा रहा है कि शुक्रवार यानी कि आज होने वाली बैठक में बिहार में नौकरी पर एक सरकार जो है बड़ा फैसला ले सकती है। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी कि आज जो बैठक होने वाली है इसमें हो सकता है कि रोजगार पे, युवाओं को जो रोजगार दिया जाना है उस पे एक अहम फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले 12 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, हमने आपको बताया इसमें कुल 48 एजेंडों पर मोहर लगी थी। जो 48 एजेंडे थे उसमें मोहर लगी थी। वहीं उसके पहले की अगर हमने आपको बताया तो उसमें 22 एजेंडों पर सीएम नीतीश की कैबिनेट में मोहर लगी थी। तो आज देखने वाली होगी 11:30 बजे से ये बैठक है, देखने वाला बात होगा कि किस तरीके से क्या क्या मुद्दों पर इसमें बैठक एजेंडा पे मुहर लगता है और क्या क्या मुद्दे जो है सीएम कैबिनेट में उसको मंजूरी मिलती है। ये तमाम खबरें देखने वाली रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।